पीलीभीत में जुए के एक अड्डे का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दर्जनों जुआरी लाखों रुपयों के साथ जुआ खेलते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने अनफानन में एसओजी टीम और सीओ को मौके पर भेजा तो गैंग के दो सदस्य की पकड़ में आए, बाकी फरार हो गए। आरोप है कि यह जुए का अड्डा स्थानीय पुलिस की सह पर चल रहा था। एसपी का कहना है कि वीडियो के आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है और जल्द इस गैंग के सदस्यों को पकड़ा जाएगा। वही थाने की पुलिस के खिलाफ भी जांच की जा रही है। घटना थाना न्यूरिया क्षेत्र के मोहल्ला खब्बापुर की है। वीओ वन यह देखिए यह लोग किस तरह के हाथों में नोटों की गड्डी लिए ताश के पत्तों के साथ जुआ खेलते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो किसी जुआरी ने ही बना लिया और एसपी तक पहुंचा दिया, जिसके बाद एसपी ने थाना न्यूरिया पुलिस को बगैर सूचना दिए सीओ के नेतृत्व में एक टीम बनाई और इस सफेद रंग से पेंट हुए इस घर पर छापा पड़वाया, लेकिन गैंग के सदस्य को किसी तरह भनक लग गई और फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में ले लिया है और गैंग के सदस्यों के बारे में पूछताछ कर रही है। आरोप है कि जुए का अड्डा जिला मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर थाना न्यूरिया पुलिस की सह पर लाइक उफ पुक्का के घर पर चल रहा था, जिसके उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड से लोग आकर लाखों रुपये का प्रतिदिन जुआ खेल रहे थे। फिलहाल आला अधिकारी पुलिस और कुछ जुआरियों के इस गठजोड़ को भी जांच कर रहे हैं। तो न्यूरिया थाना क्षेत्र में बताया जा रहा है जुआ चल रहा है, वीडियो भी वायरल हुआ है, किस तरह का मामला है, क्या कार्रवाई? कल एक वीडियो आया था जिसमें ताश के पत्ते फेंटते हुए और रुपया रखते हुए दिखाया गया था। उस सूचना पर मैंने तत्काल क्षेत्राधिकारी नगर और एसओजी टीम को भेजा तो वहाँ 2-3 लोग पकड़े गए थे। 4100 रुपये बरामद हुआ। उसमें ज़्यादातर लोग खाना खाने चले गए थे। वो चूक हो गई कि 9-9:30 बजे के आसपास इन लोगों की दबिश पड़ी, उस समय वो खाना खाने गए थे, नहीं तो पूरा रंगे हाथ एक गैंग पकड़ा जाता है। उसे इसमें सब पता चल गया है कि कौन कौन लोग थे, सबका नाम आ गया है उस वीडियो में और उनको जो है नामजद करा दिया गया है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो जैसे बताया जा रहा है, सूत्र बताएं कि जो थाना है थाने के संरक्षण में इस तरह के आरोप लग रहे हैं। हाँ, इस तरीके की बात आ रही है, मैं इसकी जाँच करा रहा हूँ, जो भी दोषी होगा वो दंडित किया जाएगा।